हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर की क्लासेस। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 5.5। ओके, तो इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो देख लेते हैं। ओके, तो वैसे मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बना चुका हूँ, बट इसमें थोड़ा सा नया आया मेरा क्वेश्चन। ओके, तो वो मैं चीज़ें आपको यहाँ डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसमें हमारा क्या है, लॉग से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं और कुछ आधार हैं। ओके, तो फर्स्ट बताता हूँ मैं क्या है फॉर्मूला। लाइक अगर मेरा है लॉग ए बी, ओके, इस यानी कि लॉग और उसके साथ मल्टीप्लाई में ए बी। ओके, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ओनली सॉल्व कर रहे हैं, डिफरेंशिएट या इंटीग्रेशन कुछ नहीं है इसका, डायरेक्ट इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो सकता है, लॉग ए एंड प्लस लॉग बी। मान लो इसमें एक और टर्म आ जाएगा सी, तो क्या लिखूँगा, प्लस लॉग सी। ओके, ऐसे ही चलता रहेगा, कितने भी टर्म हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, सेकेंड टर्म क्या आएगा इसमें, लॉग ए डिवाइड बाई बी। ओके, ये क्या था मल्टीप्लाई में, ये क्या है डिवाइड में, तो इसमें क्या करेंगे, लॉग ए माइनस लॉग बी। ओके, याद रखना, अगर मल्टीप्लाई में तो बीच में क्या आएगा, पॉजिटिव, अगर डिवाइड में तो क्या आएगा, नेगेटिव। ये सिंपल लिखने का तरीका है। ओके, जैसे अगर मैं 2a को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस ए, तो वैसे ये तरीका है इसको इस फॉर्म में लिखने का। ओके, अब देखो नेक्स्ट आता है कि एकदम मेरा कोई x की पावर a। ओके, इसके साथ मैं ले लेता हूँ लॉग, लॉग एक्स की पावर ए है, तो इसको क्या लिख सकते, ए जो है वो आगे आ जाता है और क्या बन जाता है, लॉग एक्स। समझे, सिंपल क्या होता है, लॉग एक्स की पावर ए, तो ए किधर आ जाएगा मेरा, आगे की तरफ। तो ये टर्म को याद रखना, अगर मैं इसी का उल्टा कर दूँ, ए लॉग एक्स, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, लॉग ये जो होता है ये पावर बन जाता है एक्स की। ओके, कोई भी टर्म हो, इस टर्म को भी याद रखना है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी इस चैप्टर में यूज़ होने वाली हैं। ओके, बाकी की कुछ भी अदर और कुछ आता है तो मैं आपको बता दूंगा, बाकी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एक जैसे हमारा है एक, इसमें कि डिफरेंशिएट करना है ए टू द पावर एक्स को। ओके, क्वेश्चन क्या है, ए की पावर एक्स को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, और ए क्या है मेरा, कॉन्स्टेंट। ओके, तो देखो क्या करना है, इसमें जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वो हर एक क्वेश्चन में सेम स्टेप फॉलोइंग है। ओके, तो स्टेप वन क्या है हमारा, स्टेप वन है जो गिवन इक्वेशन उसको क्या मान लो, वाई, और वाई के इक्वल ए टू द पावर एक्स। ओके, सेकंड स्टेप, ये जो स्टेप मैं बता रहा हूँ ये हर एक क्वेश्चन में फॉलोइंग है। सेकेंड स्टेप क्या है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ओके, अब क्या करेंगे, लॉग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग वाई, और इधर क्या हो जाएगा, लॉग ए की पावर एक्स। इतना समझ आया, अब देखो इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं, लॉग वाई, इस टर्म को एज इट इज। अब देखो ये पावर अभी मैंने यहाँ पर बताया था, अगर एक्स की पावर ये है, किसी की पावर है वो, ओके, लॉग के साथ, तो वो पावर क्या आ जाती है, आगे, तो इसमें एक्स क्या आ जाएगा, आगे, और ये क्या बन जाएगा, लॉग। ओके, इतना समझ आया, अब क्या करना है, अब इसको डिफरेंशिएट, इतना करने के बाद जो स्टेप थर्ड रहता है वो क्या रहता है, डिफरेंशिएट बोथ साइड। ओके, अब देखो क्या करना है, लॉग वाई का अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ कितना आएगा, वन अपॉन वाई, अब चेन रूल लगाएंगे तो वाई का भी डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। इतना समझ आया, नेक्स्ट टाइम, अब देखो ये एक टर्म, ये एक टर्म, अब देखो लॉग ए मेरा कांस्टेंट है क्योंकि अभी मैंने बताया था ए क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, तो लॉग ए भी कांस्टेंट रहेगा, तो वो एज इट इज, वन का डिफरें एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, वन, सिंपल। अब देखो क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर इस वन अपॉन वाई को मैं इधर भेज दूँ क्या आ जाएगा, ये वाई, इधर क्या बचेगा, लॉग ए। इतना समझ आया, स्टेप फोर में क्या करते हैं हम, फाइनल जो आंसर होता है y की वैल्यू पुट करनी है, y इक्वल टू क्या है मेरा, a की पावर x, तो यहाँ पुट करनी है, तो dy वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, वाई की जगह कितना पुट करूँगा मैं, a की पावर x, और ये log a। ओके, तो ये होगा मेरा सिंपल आंसर, इस तरह के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने हैं। ओके, जो मैंने स्टेप बताया, स्टेप वन क्या है, जो भी क्वेश्चन है उसको y मानना है, स्टेप सेकेंड क्या है, टेकिंग log बोथ साइड, स्टेप थर्ड जो है डिफरेंशिएट बोथ साइड, यानी कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, जो आइडेंटिटी लगाई थी ये वाली वो यूज़ करनी है। ओके, तो ये स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाएगा। ओके,
एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में। ओके, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। कोई भी डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।